तो हेलो गाइज, कैसे हो सारे गाइज? फाइनली मेरा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है। और गाइज, जब मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था तब मेरे एज 18 साल से कम था, तब मैं माइनर ही था। लेकिन अभी जस्ट 30 जून के बाद मैं मेजर हुआ हूँ, मतलब मेरा एज 18 साल हुआ है 30 जून के बाद। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे मिल सकता है क्रेडिट कार्ड, तो कौन सा कार्ड हमको मुझे अप्रूव हुआ है और कौन सा कार्ड मिला है मुझे, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो में। तो आप लोग देखना वीडियो पूरा। और गाइज, बाकी आप कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे कि आपका कार्ड भी अप्रूव हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एज मिनिमम 18 साल होना ही चाहिए। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के नाम पे आप अप्लाई कीजिए क्रेडिट कार्ड और बाद में खुद ऑपरेट कीजिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया है। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है HDFC बैंक की वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, वहाँ पर अप्लाई ना क्लिक करना है। और गाइज, आपको सबसे पहले एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर और अपना पैन कार्ड नंबर, जो कि मैंडेटरी है। आपको अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह एंटर करना पड़ेगा, अगर आपका अकाउंट है तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा गाइज। इसके बाद OTP एंटर करने के बाद आपको मिल जाएगा ऑप्शन अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट करने का, जिसमें आप डिटेल्स फिल करेंगे अपना, लाइक नेम वगैरह, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। और गाइज, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन कार्ड सेलेक्ट करने का। जैसे मेरे पास 3 ऑप्शन था कार्ड सेलेक्ट करने का, ये जिसमें मैंने ये जो है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, इसमें है 7% कैशबैक, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था। और इसका एक मेन रीज़न था कि ये जो कार्ड है ये लिंक हो सकता है UPI से भी, मतलब मैं UPI पेमेंट कर पाऊँ कार्ड के थ्रू, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही। गाइज, मेरा कार्ड देख सकते हैं इसी हो चुका है, मुझे टाटा न्यू की तरफ से आ गया है। तो यहाँ पे 7% कैशबैक है टाटा न्यू ऐप के ऊपर, और बाकी टाटा ब्रांड्स में 2% कैशबैक है, और बाकी अदर स्पेंड्स पे 1% कैशबैक है। तो गाइज, यही है कार्ड। गाइज, कार्ड अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे आके पिन सेट करना पड़ेगा माई कार्ड्स में आके HDFC बैंक का, और साथ ही साथ आपको अपना कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अनेबल करना पड़ेगा जो कि पहले से डिसेबल रहेगा। आपको यहाँ पे माई कार्ड्स में लॉगिन करके आपको सबसे पहले पिन सेट कर लेना अपना कार्ड का, और कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को अनेबल कर लेना है। गाइज, अभी हम इस कार्ड को UPI के थ्रू फोनपे के साथ लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर ये खोज रहा है कोई अकाउंट है कि नहीं, तो यहाँ मिल गया इसको क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और यहाँ पर मेरा डिटेल्स शो कर रहा है। बाकी मैंने UPI पिन पहले ही बना लिया था इसका, जो बनाना पड़ता है आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से। करते हैं हम डन, और गाइज हमारा जो है कार्ड फाइनली लिंक हो चुका है। बाकी गाइज, मैंने पेमेंट किया था 5 रुपये का कार्ड के थ्रू, और यहाँ पे ये हो चुका है बिजनेस अकाउंट में ही सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हैं, इसे पर्सनल अकाउंट में पेमेंट नहीं कर सकते आप। और मैं दिखाता हूँ फोनपे आप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 5 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है जो कि मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया था। तो गाइज, यही था कंप्लीट वीडियो। बाकी गाइज, यही था कंप्लीट वीडियो। आप लोग वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।